बालोदा लखा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की वजह से मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को देखा जाए तो शासन द्वारा कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे कि सीसी रोड कई गांव में शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है, जबकि इस गांव की आबादी 3800 लगभग है। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यह गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। सरकार द्वारा कहा जाता है कि बिजली पानी और सड़क की मूलभूत सुविधाएं सभी गांव में लगभग पहुंच चुकी हैं, लेकिन बालोदा लखा में जमीनी स्तर पर यह कहीं भी होता नहीं दिख रहा है। एक पुलिया तो यहाँ ऐसी मिली जहाँ लोग जान जोखिम में डालकर निकलते हैं और जो 20 साल से निर्माणाधीन है लेकिन अधूरी पड़ी हुई है। जब शासन द्वारा पंचायतों को लाखों रुपए निर्माण कार्य के लिए दिए जाते हैं तो पंचायत सचिव निर्माण नहीं करते हुए उन रुपयों के साथ भ्रष्टाचार कर बांट लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। बड़नगर से विजय नीमा की रिपोर्ट। कला पर्दा बंद। क्या समस्या है यहाँ पर? अरे बहुत कीचड़ हो रहा है, बच्चा बच्ची कीचड़ में पड़ जाए। हाँ। और पानी में गिर जाए। हाँ। रास्ता देख लिया, पंचायत वाला कोई भी सुन ही रहा है। हाँ। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? करी थी, बहुत सही पर करी थी, पर सुने ही कौन? कोई भी नहीं सुन रहा है आपकी? कोई भी नहीं सुन रहा। विधायक जी या कोई जनप्रतिनिधि? चतर सिंह नाम मेरा। क्या स्थिति है इस रोड की? रोड भी देखो ना, कीचड़ बहुत हो रहा, पानी भी कीचड़ बहुत है। यहाँ से वहाँ तक निकले की स्थिति, बच्चा बच्ची सब स्कूल में जाता है, बनवाने जाए या नहीं, आंगनबाड़ी है, मेरे स्कूल है, ये लिख रहा है, इन बच्चा बच्ची से नहीं निकला। आपने इसकी शिकायत की किसी से? हाँ, पहले की थी शिकायत। क्या हुआ भाई? पंचायत वाला सब जगह किधर को एक भी नहीं आया। कितने साल से ये स्थिति? ये 2-4 साल से स्थिति है। नाम है आपका? मेरा नाम तला सिंह। क्या समस्या है? पानी बहुत गया है, बाहर भी नहीं निकलने दे, बच्चे बच्ची पीड़ता है। आपके सामने ये पानी भरा हुआ है, बच्चा बच्ची गिर जाते हैं, बांधना पड़ता है उनकी टांग राइश से। ये आई देखवाना पड़ गया, माँ कहते ये बन जाए गाल तो नानो बन जाओ तो कहेगा। ये रास्ता नहीं है क्या? यहाँ रास्ता नहीं है। फिर कैसे निकलते हैं? यानी पिल्लर के ऐसे लकड़ी के टेके टेके निकले। अच्छा, बच्चे भी गिर जाते हैं क्या? बच्चे भी गिरते हैं, स्कूल वाले बहुत। अभी 3-4 दिन भी इस पानी में गिर गया। आने दर वो तो ठीक, नहीं तो वो तो मर जा बेचारा, इतना इतना पानी भरा के कमर कमर। आपने इसकी शिकायत की कही की है क्या? नहीं तो खतरी दफे की, पर बाकी चैलेंज नहीं, आगे जाने अरज काटते मिल दे तो पंचायत आगे जावा इन दे। अच्छा, तो आपने SDM तहसीलदार सब आइए इन देखी गया, अपना अपने कहीं ना महेश पटेल काकतिया लगे क्यों नहीं, हलपटिया ठोकी क्यों, वो भी आई ना लिख लियो पानी में, एक नहीं होना, कोई भी नहीं होने मकी। श्रीराम, क्या समस्या है? हम इधर से स्कूल आते हैं ना तो पांव फिसल जाता है, गिर जाते हैं। और हमारी ड्रेस खराब हो जाती है। अच्छा, रोज ऐसे ही रहता है रोड 12 ही महीने? जी सर, मेरा नाम मनोज डोडिया है। क्या समस्या है? जी सर, समस्या आपके सामने है, पूरा गांव कीचड़ से लबरे से, यहाँ पे आए दिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सर ग्राम बालोदा लखा में कीचड़ है और अभी तक उनको निजात मिला है, इस समय में आपके द्वारा क्या कार्रवाई? सारी गलियों में कीचड़ है सर। ठीक है, एक तो आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, और दूसरी रही चीज वहाँ बालोदा लखा का है, तो नंबर एक वहाँ अलाटमेंट एक तो दिखवा लेंगे हम, पंच परमेश्वर योजना में उनके पास पंचायत के पास आज की स्थिति में कितना राशि है, और देन DPR में अगर वो काम जुड़े होंगे तो अभी क्या है कि DPR में जो काम लिए जाते हैं वो नंबर एक 2-3 इसके हिसाब से क्रम वाइज वो काम करवाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो निश्चित ही प्राथमिकता के तौर पे सफाई वगैरह का वो कार्य पहले करवाया जाएगा, और स्वाभाविक है कि गांव में जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए बिजली पानी सड़क, तो आप लोगों ने बताया कि वहाँ सड़कों की हालत इतनी दयनीय स्थिति है, तो मैं बिल्कुल ही वहाँ पर मैं खुद एक बार भ्रमण करूँगा और वहाँ क्या यथासंभव क्या हो सकता है मैं वो चीज़। सर निर्माण तो हुआ है सर, लेकिन घटिया किस्म का हुआ है, सही निर्माण नहीं हुआ है, घटिया सामग्री उपयोग की गई है जिसके कारण रोड उखड़ गया और आज ग्रामीण कीचड़ से परेशान है। जैसे निर्माण कार्य हुआ लेकिन घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, तो मैं मेरे टेक्निकल जो सपोर्ट है, मेरे सब इंजीनियर हुए हैं, AE हुए हैं, उनकी टीम बना करके और उन कामों पर भी मैं जांच करूँगा।